कल मैंने एक पोस्ट किया था जहां पर मैंने एक अपडेट शेयर करी थी आपको मीशो के रिगार्डिंग कि मीशो बहुत जल्दी ही पे लेटर सर्विस लेके आने वाला है। उसके लिए मीशो ने टाई अप भी कर लिया है लेजी पे से। इसको लेके बहुत सारे सेलर की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मैं अभी सबसे पहले दूर कर देता हूँ। देखो, पे लेटर सर्विस जैसे फ्लिपकार्ट की है कि कस्टमर अभी शॉपिंग करता है और बाद में पे कर सकता है, वो एक टाइप का लोन टाइप हो जाता है। ये एक सर्विस है जो फ्लिपकार्ट पे जब आई थी उसके बाद फ्लिपकार्ट का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से एक्सपेंड हुआ था, बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स हुई थी एंड मिलियंस में लोगों ने पे लेटर से परचेज किया था। सेम अगर मीशो पर इंट्रोड्यूस हो जाती है तो सबसे पहले कस्टमर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कस्टमर अभी लेके बाद में पे कर सकता है। ऑब्वियसली उस पर उसको कुछ ना कुछ जो इंटरेस्ट होता है वो पे करना पड़ता है। लेजी पे जो कंपनी से मीशो ने टाई अप किया है उनका भी इसमें फायदा है। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिल जाता है उस पे, उनकी कस्टमर की पेमेंट पे। मीशो का भी इसमें फायदा है क्योंकि मीशो की ऑब्वियसली सेल उससे बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाली है एंड एज अ सेलर आपका भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखो, आपको तो पेमेंट इंस्टेंट अपने हिसाब से ही मिलेगी, जो पे लेटर होगा वो कस्टमर के और लेजी पे के बीच में ही रहने वाला है। ये एक टाइप से बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा मीशो ने इनिशिएटिव लिया है एंड बिलीव मी 2023 में ये बहुत अच्छे से मीशो पे सेल ग्रो करेगा। बाकी आज एक प्रॉपर अच्छी वीडियो आने वाली है मीशो पे, उसको जरूर देख लेना, बहुत कुछ नया समझ में आएगा।